जो जो देखिएगा एक टॉपिक रिवाइज इश्यू ऑफ शेयर अदर देन कैश किया था हमने लास्ट सैटरडे। इश्यू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश हमने एक किया था क्वेश्चन, इसके अंदर पेज नंबर एक रिवाइज कर रहा हूँ, होमवर्क जो दिया था ना उसी से रिवाइज हो जाएगा। आप लोगों ने होमवर्क किया ही होगा, पेज नंबर कौन सा था होमवर्क का? पेज नंबर 115 था, पेज नंबर 115। रिवाइज कर लेते हैं जो एक क्वेश्चन हम ऐसे, ये पेज नंबर 115 इलस्ट्रेशन नंबर 35। सो लास्ट सैटरडे आए थे हैं एक्स्ट्रा क्लास, पिछली लास्ट वाली भी देख ली। पेज नंबर 115 रिवीजन करा लो लास्ट क्लास की, इलस्ट्रेशन 35 का फर्स्ट, इलस्ट्रेशन 35 का फर्स्ट। हमने फर्नीचर खरीदे हैं 250 के, फर्नीचर खरीदे हैं 250 के, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मैसर फर्नीचर मार्ट। दिखाइए जरा टेस्ट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर मार्ट। हमने जो फर्नीचर खरीदा एंट्री क्या आती है? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर मार्ट। ठीक है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर मार्ट। कितने रुपये फर्नीचर खरीदा? 250,000 फर्नीचर खरीदा। लगा दो, हाँ जी, जो फर्नीचर खरीदा 250,000 का फर्नीचर मार्ट से, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर मार्ट 250,000 का फर्नीचर खरीदा, वहाँ लगते। अगला एंट्री क्या आएगी बच्चों? पेबल एज द पेमेंट इज टू फर्नीचर मार्ट वॉज मेड बाई इशूइंग इक्विटी शेयर 10 ईच एट अ प्रीमियम 25%। हम शेयर दे रहे हैं बच्चों इनको, हम शेयर दे रहे हैं। अमाउंट ड्यू टू वेंडर 250,000 डिवाइड बाई इशू प्राइस, 250,000 डिवाइड बाई इशू प्राइस। 10 रुपया शेयर है 25% प्रीमियम 12.5, 10 रुपया शेयर है 12. इशू कर रहे हैं 25% प्रीमियम पे, तो 250,000 डिवाइड बाई 12.5 हो जाएगा। देख रहे हो जो नंबर ऑफ शेयर कितने आ रहे हैं, कितने 20,000, तो नंबर ऑफ शेयर आ रहे हैं 20,000 के। तो यहाँ पे आ जाओ जो फर्नीचर मार्ट डेबिट, मैसर फर्नीचर मार्ट डेबिट 250,000, मैसर फर्नीचर मार्ट डेबिट 250,000। हम इन्हें शेयर्स दे रहे हैं, इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं? 20,000 शेयर्स दे रहे हैं, 20,000 शेयर्स दे रहे हैं। एक शेयर 10 रुपये का है, 2,00,000 हो जाएगा और बाकी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया? आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
हाँ चलो शुरू करें। ये तो मैं रिवीजन करा दी, एक ये ऐसे क्वेश्चन कराया था याद आ गया। अगला क्वेश्चन देखो जी, सेकंड क्वेश्चन, वो पूरा बिजनेस खरीदने का क्वेश्चन था, पूरा बिजनेस खरीदने का क्वेश्चन था, वो भी देख लो। इलस्ट्रेशन 35 का सेकंड, इलस्ट्रेशन 35 का सेकंड, परचेज अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम अमन लिमिटेड फॉर अ सम ऑफ 15 लाख। हमने एक रनिंग बिजनेस खरीदा 15 लाख रुपये का। जी हाँ, जो हमने एक रनिंग बिजनेस खरीदा 15 लाख रुपये का, पेमेंट कर रहे हैं 12 लाख की शेयर से और बैलेंस ड्राफ्ट से, एसेट लाइबिलिटी इतने की है। तो जो रनिंग बिजनेस खरीदा है उसके लिए परचेज कंसीडरेशन दे रहे हैं 15 लाख रुपए की। जी हाँ, जो हमने रनिंग बिजनेस खरीदा 15 लाख रुपए का, हमने रनिंग बिजनेस खरीदा 15 लाख रुपए का और ये एसेट खरीदे हैं, ये एसेट खरीदे हैं, प्लांट अकाउंट डेबिट हो जाएगा 3.5 लाख, स्टॉक डेबिट हो जाएगा, प्लांट डेबिट हो जाएगा 3.5 लाख, स्टॉक डेबिट हो जाएगा 4.5 लाख, लैंड बिल्डिंग डेबिट हो जाएगा, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट हो जाएगा 6 लाख। सारे एसेट जो खरीदे उनको डेबिट कर दो, जो लाइबिलिटीज है ना वो क्रेडिटर हैं, क्रेडिटर क्रेडिट कर दो 1 लाख रुपए की, एसेट डेबिट कर दो। जी हाँ, जो एसेट डेबिट कर दिए, लाइबिलिटी क्रेडिट कर दी, कितने रुपए में खरीदा? 15 लाख रुपए में खरीदा अमन लिमिटेड से। कितने रुपए से खरीदा? परचेज रनिंग बिजनेस फ्रॉम अमन लिमिटेड, अमन लिमिटेड से खरीदा है 15 लाख रुपए का। ऊपर आएगा तो गुडविल आएगा, नीचे आएगा तो कैपिटल सब आएगा। देखना गुडविल आ रहा है, कैपिटल सब आ रहा है, कितने रुपए की? देखो कैसे निकाली गुडविल, इन तीनों को ऐड किया, एसेट कितने के आ रहे हैं? 13 लाख। लाइबिलिटी कितने किया? एसेट 14 के, एसेट 14 लाख के आ रहे हैं। लाइबिलिटीज कितने की है? क्रेडिटर 1 लाख, एसेट में से लाइबिलिटी माइनस किया 13 लाख आ रहा है। बच्चों हमें पैसे देना चाहिए 13 लाख, हम दे रहे हैं 15 लाख। अगर आप एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हो तो गुडविल के देते हो, कम पैसे देते हो तो कैपिटलिज़ा होता है। ज़्यादा पैसे तो गुडविल, कम पैसे तो कैपिटलिज़ा। ऊपर आएगा तो गुडविल, नीचे आएगा तो कैपिटलिज़ा। हमें जो अमन लिमिटेड को पैसे देने हैं, कैसे दे रहे हैं अमन लिमिटेड को पैसे? अमन लिमिटेड को 15 लाख रुपये दे रहे हैं, कैसे देने हैं? हाँ, 12 लाख शेयर इशू कर रहे हैं, बैलेंस ड्राफ्ट हाँ लिखना रहेगा। गुडविल कितने की है? 2 लाख रुपए की है गुडविल, गुडविल है 2 लाख रुपए की है। हाँ जी, अब अमन लिमिटेड डेबिट टू बैंक हो जाएगा कितने रुपए? 2 लाख का ड्राफ्ट है, 3 लाख का ड्राफ्ट है, बाकी 12 लाख के शेयर्स हैं। तो जो ये मैंने पिछली क्लास का रिवीजन करा दिया आपको, पिछली क्लास में यही किया था, पिछले सैटरडे हमने यही किया था, इसी तरह के क्वेश्चन किए थे हमने। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। इलस्ट्रेशन 35 हो गई है, आगे आ जाओ। इलस्ट्रेशन 36 भी होमवर्क दिया था क्या? चलो इलस्ट्रेशन 36 भी देख लो, इलस्ट्रेशन 36 भी देख लो। चलो इरेज कर दो, हो गया नोट। गुडविल कैसे आई? चलो देखो एसेट कितने के, इन तीनों को ऐड कर, एसेट में 14 लाख के, सर लाइबिलिटी है 1 लाख। ठीक है, एसेट में से लाइबिलिटी गए कितना रहा? 13 लाख, देना चाहिए 13 लाख, लेकिन दे कितना रहे? 15 लाख, 1 लाख एक्स्ट्रा दे रहा है तू। जो 1 लाख रुपये एक्स्ट्रा दे रहा है वो किस बात पे दे रहा है? गुडविल के। समझा की बात? ऊपर आएगा तो गुडविल, नीचे आएगा तो कैपिटल, ऊपर आएगा तो गुडविल, नीचे आएगा तो। समझा की बात कि नहीं आई? दोबारा हम जाओ। हाँ तो गुडविल 13 लाख देने चाहिए, लेकिन दे कितना रहा है तू? 15 लाख। एक्स्ट्रा पैसे किस बात के दे रहे हैं? गुडविल के। अगर कम देगा तो प्रॉफिट हो जाएगा, कैपिटल हो। समझ आई बात कि नहीं आई? कितने मार्क्स आए तेरे यूटी में? 13, 11। आगे चलते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो जी, ये भी होमवर्क दिया था वैसे, इलस्ट्रेशन नंबर 36, इलस्ट्रेशन 36 भी होमवर्क दिया था। के लिमिटेड, के लिमिटेड ने ना एसेट खरीदे हैं और लाइबिलिटी खरीदे हैं पी लिमिटेड के। एसेट खरीदे हैं, एसेट डेबिट हो जाएगा जो 15 लाख रुपए के एसेट खरीदे हैं, एसेट खरीदे हैं 15 लाख रुपए के। लाइबिलिटीज कितने की है? एसेट खरीदे हैं 15 लाख के, लाइबिलिटी खरीदी है 5 लाख रुपए की। हमें कितने पैसे देने चाहिए? 13,68,500 देने चाहिए। हमने एसेट खरीदे हैं 15 लाख के, लाइबिलिटी खरीदी है 5 लाख की। हमने पी लिमिट से पैसे खरीदे हैं, पी लिमिट से कितने खरीदे हैं? 13,68,500। मैंने आपको बताया था जो ऊपर आएगा तो गुडविल आएगा, नीचे आएगा तो कैपिटल आएगा, तो गुडविल आ रही है क्योंकि हमने एसेट खरीदे हैं 15 लाख के,
लाइबिलिटी कितने की खरीदी है? लाइबिलिटी खरीदी है 5 लाख की, तो पैसे कितने देने चाहिए? 10 लाख देने चाहिए, लेकिन हम पैसे कितने दे रहे हैं? 13,68,500 दे रहे हैं। जो एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं किस बात के दे रहे हैं भाई? गुडविल के दे रहे हैं। किस बात के दे रहे हैं? जी हाँ, जो एक्स्ट्रा पैसे देते हैं किस बात के देते हैं? गुडविल के देते हैं। किस बात के देते हैं? समझ आ गई उच्च बात? कोई है ही नहीं। कम देते तो कैपिटल जाओ, ज्यादा देते गुडविल। कैपिटल जाओ क्या होता है ना, जो नॉन रिकरिंग नेचर का प्रॉफिट होता है वो कैपिटल में जाता है। तो कैपिटल सर्विस प्रॉफिट जो कभी कभी होता है, हम बिजनेस कभी कभी खरीदते हैं, और अगर आप किसी को ज़्यादा पैसे दे रहे हो तो किस बारे में दे रहे हो? गुडविल में दे रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट देखो जी क्या है, 2500 पेड बाय इशूइंग अ प्रॉमिसिंग नोट। हम ना पी लिमिट को जो पेमेंट कर रहे हैं ना, कैसे पेमेंट कर रहे हैं? ये जो पी लिमिट को पेमेंट करनी है कैसे कर रहे हैं? प्रॉमिसिंग नोट एक्सेप्ट कर रहे हैं। प्रॉमिसिंग नोट क्या होता है? बिल पेबल होता है। तो बिल पेबल एक्सेप्ट कर लिया, पी लिमिट डेबिट टू बीपी। कितने का प्रोमिसिंग नोट एक्सेप्ट किया? 25,500 का। 25,500 का प्रोमिसिंग नोट एक्सेप्ट कर लिया। बाकी कितना रह गया? बाकी जो रह गया वो शेयर दे रहे हैं, बाकी 13,68,500 लेस 25,500 कितना? 13। ये ना शेयर्स दे रहे हैं इसके, हम क्या दे रहे हैं? शेयर्स दे रहे हैं, शेयर निकालने पड़ेंगे। अमाउंट ड्यू टू वेंडर डिवाइड बाई इशू प्राइस, अमाउंट ड्यू टू वेंडर डिवाइड बाई इशू प्राइस, अमाउंट ड्यू टू वेंडर डिवाइड बाई इशू प्राइस 1343 डिवाइड बाई इशू प्राइस। 100 रुपये वाला शेयर ना 2500 प्रीमियम पे इशू हो रहा है, 125। अमाउंट ड्यू टू वेंडर डिवाइड बाई इशू प्राइस कर दो, कितना आ गया? 107,004। ये आ गया जो 107,004 आ गया। अमाउंट ड्यू टू वेंडर डिवाइड बाई इशू प्राइस, अमाउंट ड्यू टू वेंडर कितने के हैं भाई? 1343 के हैं। इशू प्राइस 100 रुपये वाला शेयर इशू कर रहे हैं, 125 रुपये, 107,400 आ गया। पी लिमिटेड डेबिट हो जाएगा, 13,43,000 आ जाएगा। टू इक्विटी शेयर अपने दे रहे हैं ना, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 107,400 × 100 यहाँ आ जाएगा 107,440 और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में चला जाएगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में चला जाएगा जी, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 107,440 × 25 करना 268 टोटल मार्क्स है अभी बता देता हूँ, अभी नहीं वो मैंने डिलीट कर दिया। हाँ अभी बताता हूँ, 20 क्वेश्चन है टोटल। क्या टोटल 20 क्वेश्चन है? क्या करेगा देख के? टोटल 20 क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ, लिख ले। बता देता हूँ जो कल जो टेस्ट है ना वो किस पैटर्न पे है, लिखना चाहो तो लिख लो। 8 नंबर के क्वेश्चन है, 8 मतलब एक एक नंबर के 8 क्वेश्चन है। हाँ जी, जो टेस्ट है उसका पैटर्न ये रहेगा, पहले 8 क्वेश्चन है 8 नंबर के, ठीक है। 3 नंबर का है 8 × 8 8 मार्क्स टेस्ट, 8 नंबर हो गए, 1 1 मार्क। एसेशन बेस्ड क्वेश्चन भी है इसके अंदर, एक एसेशन बेस्ड क्वेश्चन भी एक है, ठीक है, इन 8 में से। और क्या था टेस्ट में? हाँ 3 नंबर के क्वेश्चन है मैडम, 3 नंबर के क्वेश्चन है, एक 2 3 3 3 नंबर वाले क्वेश्चन है, 4 3 नंबर वाले क्वेश्चन है, 4 3 नंबर वाले क्वेश्चन है, कितने हो गए?
20 हो गए ना, ठीक है। और उसके बाद है चार वाले हैं, एक दो तीन चार, चार चार वाले हैं, कितने हो गए 16 36। हाँ, एक दो तीन चार, ठीक है 36 हो गए। अच्छा, एक छः वाला है दो, हाँ एक छः वाला है, दो छः वाले हैं, सॉरी दो छः वाले, कितने हो गए 48 हो गए क्या? नहीं, कितने हो गए 48 हो गए। देखना पड़ेगा, अभी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मैं बता दूंगा। ये वाले क्वेश्चन तो है ही, अभी बता दूंगा। एक दो क्वेश्चन और है, अभी 48 का बता दिया ना तुम्हें, इसे बताना मत, ठीक है बता दिया। आगे चलते हैं, हाँ भी अगला चलते हैं, इलेशन 37 देख लो बच्चों, इलेशन 37 देख लो, इलेशन नंबर 37 देख लो। अक्षित लिमिट में ना दोनों की बुक्स मांगी हुई है, परचेजर की भी सेलर की भी, अक्षित और परफेक्ट मशीनरी। एक है अक्षित लिमिटेड, दोनों की बुक्स मांगी हुई है, अक्षित की भी और परफेक्ट मशीनरी की भी। वैसे ना सेलर की मांगता नहीं है, लेकिन इसमें मांगी हुई है। अक्षित ने खरीदे मशीनरी खरीदी है परफेक्ट से, तो जो ये तो करेगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परफेक्ट मशीनरी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परफेक्ट मशीनरी करेगा। कितने की? इश्यूर एंड एक्सेप्टेंस ऑफ 1 लाख, हम इसके बदले में क्या दे देंगे? एक तो 1 लाख शेयर दे रहे हैं 10 रुपए वाले, 3 रुपए प्रीमियम पे। परफेक्ट मशीनरी डेबिट, परफेक्ट मशीनरी डेबिट, इनको शेयर इशू कर रहे हैं टू इक्विटी शेयर कैपिटल, परफेक्ट मशीनरी डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है भाई? 10,000 शेयर इशू कर रहे हैं 10 रुपए के, 10,000 शेयर इशू कर रहे हैं 10 रुपए के, 1 लाख टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, 10,000 शेयर दे रहे हैं 3 रुपए के, 30,000 टोटल, 1,30,000 तो शेयर हो गए। हाँ, जो हमने ना मशीन खरीदी है 4 पीस की, हमने ना इनको ना इनको शेयर दे रहे हैं, 10,000 शेयर दे रहे हैं 10 रुपए के, बाकी प्रीमियम हो गया। बी पॉइंट में लिखा हुआ है एक्सेप्टेंस 1 लाख की, एक्सेप्टेंस क्या होता है? बिल पेबल, एक्सेप्टेंस है बिल पेबल। परफेक्ट मशीनरी डेबिट टू बिल पेबल, परफेक्ट मशीनरी डेबिट टू बिल पेबल। हाँ आप डाल सकते हो चाहो तो, एक एंट्री कर सकते हो, लेकिन मैं अलग अलग कर रहा हूँ। हाँ जी, बिल पेबल एक्सेप्ट कर लिया 3 महीने का, बाकी जो बच गया ना उसे पोस्ट डेट चेक दे रहा है 2 लाख का, बाकी जो बच गया वो पोस्ट डेट चेक दे रहा है। कितना बच गया बाकी? 2 लाख बच गया, उसका पोस्ट डेट चेक दे रहा है। हम तो यही करेंगे परफेक्ट मशीनरी डेबिट टू बैंक, हम एंट्री करेंगे परफेक्ट मशीनरी डेबिट टू बैंक। परफेक्ट मशीनरी डेबिट टू बैंक 2 लाख रुपए, हम परफेक्ट मशीनरी डेबिट टू बैंक करेंगे 2 लाख रुपए, ठीक है जी। अब आ जाओ परफेक्ट मशीनरी पे, अगर परफेक्ट मशीनरी की बात करें ना, ये सेल्स कर दिया हमने, क्या कर दिया इसने, इसका काम है मशीन डीलर है, जिसके इसके लिए मशीन क्या हो गई? गुड्स हो गए, और गुड्स के लिए वर्ड यूज क्या होता था 11 में? क्या था? सेल्स। क्या यूज होता था? सेल्स। एंट्री आती थी अक्षित लिमिटेड डेबिट टू सेल्स, अक्षित लिमिटेड डेबिट टू सेल्स हो जाएगी, अक्षित लिमिटेड डेबिट टू सेल्स हो जाएगी 4,30,000। जी हाँ, जो अक्षित लिमिटेड डेबिट टू सेल्स हो जाएगी 4,30,000, समझ आ गई बात? फिर आप क्या करेंगे?
ये जो है ना, अब देखो ये इसको इस पैसे कैसे मिल रहे हैं, शेयर्स मिल रहे हैं, इसको शेयर्स मिल रहे हैं 10,000 वाले 13 रुपए में। इसके लिए शेयर्स ना एसेट है, इसके लिए शेयर क्या, तो शेयर्स आ रहे हैं। इसलिए एंट्री करेगा इक्विटी शेयर्स इन अक्षित लिमिट डेबिट, इक्विटी शेयर्स इन अक्षित लिमिट डेबिट, इक्विटी शेयर्स इन अक्षित लिमिट डेबिट 1,30,000 टू अक्षित लिमिटेड, टू अक्षित लिमिटेड 1,30,000। इसके लिए शेयर्स 1,30 के पड़े इंक्लूडिंग प्रीमियम। ये इंक्लूडिंग प्रीमियम रिकॉर्ड करेगा, ये इंक्लूडिंग प्रीमियम से यही रिकॉर्ड करता है। वो वाली कंपनी के लिए एसेट है, उसके लिए एसेट की वैल्यू कितनी बड़ी, 1,30,000 बड़ी, कितनी बड़ी, ठीक है। 36 नंबर आने के भी आए मैडम, आप कह रहे थे ना आने, हाईएस्ट 36 है आने के, वैसे कितने हाईएस्ट है आने के, हाँ उसके 36 आए हैं, पता नहीं है मेरे को तो अभी तक उसका आने का 36 पता चला। नहीं 39 तो किसी ने नहीं कहा, 30। हाँ जो इक्विटी इक्विटी शेयर्स का अक्षय लिमिट डेबिट टू अक्षय लिमिट 1,30। अब क्या हुआ, ये जो बीपी है इसके लिए क्या होगा, बीआर हो जाएगा। इसके लिए बीपी है, इसके लिए क्या हो जाएगा, बीआर हो जाएगा। बीआर डेबिट टू अक्षय लिमिटेड, बीआर लिमिटेड डेबिट टू अक्षय लिमिटेड, बीआर डेबिट टू अक्षय लिमिटेड 1,00,000। फिर ये जो पोस्ट डेट चेक है वो याद होगा, लाया था पोस्ट डेट जो चेक होता था आगे की डेट का चेक है, उसे हम क्या बोलते थे, चेक इन हैंड बोलते थे, क्या बोलते थे, चेक इन हैंड बोलते थे, चेक इन हैंड डेबिट टू अक्षय लिमिटेड, चेक इन हैंड डेबिट टू अक्षय लिमिटेड 2,00,000 रुपये, ठीक है। ये समझ आ गई बात, ठीक है। जो ये वैसे ये सेलर की बुक्स है, ये कम नहीं आती है, मेनली यही आती है कि ये डिस्कवर करने के लिए करा दी है। सर सिक्योरिटी में रिजर्व प्रॉफिट होता है ना सर, और लास्ट क्लास नहीं देखिएगा सर, जो से जो कंपनी 10 वो उनके लिए एसेट है, उनके एसेट की वैल्यू कितनी हो गई, शेयर्स एसेट है, उनके लिए एसेट की वैल्यू कितनी हो गई, 1,30,000 हो गई। ये सिक्योरिटी में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ये एसेट की वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं। समझ आ गई बात, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी बच्चों, एक है अदर देन कैश का एक लास्ट टॉपिक है, प्रमोटर्स कौन होते हैं। हमें जो प्रमोटर्स कौन होते हैं, जो कंपनी को फॉर्म करते हैं, जो इनकॉर्पोरेट करते हैं, सबसे पहले शेयर उन्हीं को लेने होते हैं। उनकी सर्विसेज के लिए जो हम पैसे देते हैं उसे बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं, प्रमोटर्स कौन होते हैं, जो कंपनी को फॉर्म करते हैं उनकी जो सर्विसेज के लिए हम पैसे देते हैं उनको बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं, और अंडरराइटर कौन होते हैं, जो अंडरराइटर वो लोग होते हैं जो गारंटी देते हैं कि हाँ आपके शेयर बिकवा देंगे, अगर नहीं बिकवा पाए तो हम खुद ले लेंगे। समझ आ गई बात, तो उसकी उनकी सर्विसेज के लिए जो पैसे देते हैं उसे बोलते हैं अंडरराइटिंग कमीशन। क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे हम प्रमोटर्स के सर्विसेज के लिए और अंडरराइटर के सर्विसेज के लिए दोनों के लिए क्या दे देंगे, शेयर्स इशू कर देंगे। क्या कर देंगे, इलस्ट्रेशन 34 देख लो जी, इलस्ट्रेशन 34 देख लो, इलस्ट्रेशन नंबर 34, डी लिमिटेड इशूड 2500 शेयर 10 क्रेडिटेड एज फुली पेड अप टू द प्रमोटर फॉर द सर्विसेज रेंडर टू इनकॉर्पोरेट द कंपनी। जो 2500 शेयर इशू कर रहे हैं 10 रुपये को प्रमोटर को, 2500 शेयर इशू कर रहे हैं 10 रुपये के प्रमोटर को, यानी 25,000 के शेयर इशू कर रहे हैं प्रमोटर को उनकी सर्विसेज के बदले में। मैंने आपको बताया जो प्रमोटर को उनकी सर्विसेज के लिए पैसे देते हैं उसे बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस डेबिट टू, हाँ जी इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस डेबिट टू प्रमोटर, क्योंकि प्रमोटर को पैसे देने हैं 25,000, 25,000 हुआ ना, फिर प्रमोटर को क्या दे देंगे, शेयर्स दे देंगे, प्रमोटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पहले ड्यू करने की एंट्री कि ये लायबिलिटी क्रेडिटर बना लिया, फिर इनको हमने शेयर्स दे दिए, प्रमोटर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 25,000।
फिर बच्चों 2000 शेयर इशू कर रहे हैं 10 रुपए के अंडर राइटर्स को, उनकी अंडर राइटिंग सर्विसेज के बदले में। अंडर राइटर वो लोग होते हैं जो गारंटी देते हैं हम आपके शेयर्स बिकवा देंगे, नहीं बिकवा पे तो हम ले लेंगे। इनकी सर्विसेज के लिए जो पैसे देते हैं उसे क्या बोलते हैं? अंडर राइटिंग कमीशन। क्या बोलते हैं? करो जी एंट्री। अंडर राइटिंग कमीशन हमारा खर्चा है, अंडर राइटिंग कमीशन हमारा खर्चा है, अंडर राइटिंग कमीशन डेबिट हो जाएगी। जी हाँ, जो अंडर राइटिंग कमीशन हमारा खर्चा है, अंडर राइटिंग कमीशन डेबिट हो जाएगी टू अंडर राइटर। अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर हो जाएगी। 2000 शेयर है, 10 रुपए के इशू कर रहे हैं, फिर अंडर राइटर को इसके बदले में शेयर दे देंगे, फिर अंडर राइटर को इसके बदले में शेयर दे देंगे। अंडर राइटर को इसके बदले में हम शेयर दे देंगे। ये 33वां भी तो मैंने होमवर्क दे दिया था ना, लेशन 33 होमवर्क दे दिया था, 34 करा दिया, 35 करा दिया, 36 करा दिया, 37 करा दिया, ठीक है। और पेज नंबर क्या रहेगा? वो इसका नहीं है मैडम, ठीक है। फिर पेज नंबर ये बताओ, पेज नंबर 114 पे कौन कौन से रह गए हैं? पेज नंबर 114 पे ना 32 करा दिया, 33 करा दिया, 34 होमवर्क है, यही है मैडम, इसका प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन 34 होमवर्क, पेज नंबर 114, पेज नंबर 114, क्वेश्चन नंबर 34 होमवर्क। मैं 35 करा दिया, 36 करा दिया, 37 करा दिया, 39 होमवर्क, 39 होमवर्क, ठीक है। तो जो ये हमने आज ख़त्म कर लिया अदर देन कैश, क्या ख़त्म कर लिया? हाँ।